Hello, dear students. Good afternoon, good evening. मैं संजय अग्रवाल from Stargate Costing Faculty, SEMP for CA Final and Cost Management for CA Inter. ये बेटा मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ आपको, एक कई स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरीज ये आ रही हैं कि सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, मई में पेपर देना है, बहुत ग्रुप देने हैं, वट एवर मे बी, तो आपका जो फास्ट ट्रैक बैच है उसमें क्या क्या कंटेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बेटा ये बता दूं कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तब तो आप फुल बैच ही लीजिए. ठीक है, क्योंकि से टाइम अगर आपके पास होता है तो फुल बैच ही बेटर रहता है. बट ठीक है, अगर आपके पास इस समय समय का अभाव है, टाइम बहुत शॉर्ट है, मई में आपको पेपर देने हैं, तो ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच आप ले सकते हो. सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अमेंडमेंट्स आई हैं, जो चेंजेस आए हैं, जैसे ओईई का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिलीट कर दिया है, नहीं, और थ्योरेटिकल पार्ट, ये सारे चेंजेस हमने अपने फास्ट ट्रैक में और फुल में तो खैर कर ही दिए हैं, फास्ट ट्रैक में भी हमने इनकॉर्पोरेट कर ही दिए. फास्टैग बैच में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी है आपकी, ठीक है, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं, सारी केस स्टडीज कवर की हुई है, और स्पेशली मैं आपको ये बता दूं कि केस स्टडीज के लिए हमने बहुत ही मेहनत करके इनोवेटिव वे में तैयार किया है, कि आपको केस स्टडीज ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले पूरे दो पेज की क्वेश्चन पढ़ो केस स्टडीज का, फिर उसका आंसर पढ़ो, फिर दिमाग में आए कि मुझे लिखना कैसे है. तो मैंने पहले केस स्टडीज का एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके दिया है, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ये बता देंगे समराइज फॉर्मेट में, डिटेल फॉर्मेट में, कि अगर इसकी जगह पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको किसी होटल का आता है, किसी रेस्टोरेंट का आता है, किसी क्लब का आता है, किसी स्कूल का आता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आता है, तो वो पार्ट सब में अप्लाई हो जाएगा, ओनली द कंपनी एंड द डाटा विल गोइंग टू चेंज, राइट. ये तो हो गए कोर्स कंटेंट. अब सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम के जो आपके 3 आवर्स का जो एग्जाम का पीरियड होता है ना, बेटा उसमें आपकी परफॉर्मेंस आपको डिसाइड करती है कि क्या आपका रिजल्ट होगा. तो वो परफॉर्मेंस बस कूल माइंड होनी चाहिए, ठीक है. और कॉस्टिंग बेसिकली पढ़ते समय बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रीड केयरफुली, मतलब ये मत करो कि फटाफट मैंने क्वेश्चन पढ़ा और फिर मैंने उसका आंसर पढ़ा ऑडिट कर लिया. ऑडिट नहीं करना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है. जैसे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, दोनों को विजुअलाइज करो दिमाग में, दिमाग में पिक्चर बनाओ कि सर ये कहना चाह रहा है. ये सोचो कि आपके सामने एक फैक्ट्री है और मुझे डिसीजन देना मैनेजमेंट को. फिर थर्ड पैराग्राफ पढ़ो जो भी आगे का है, और दिमाग में एक विजुअलाइज कनेक्ट करते चले जाओ, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ आप अपनी और जो आपके कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, you will get success 100%. यही एक तरीका है. ऐसा कभी मत करना कि फटाफट आप क्वेश्चन को या केस स्टडी को रीड कर लो और लास्ट में जो आंसर है उसको रीड कर लो. नहीं, पढ़कर एक बार समझो, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अपने हिसाब से अप्लाई करो, राइट. चल, राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू.